हेलो एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पायनियर रीअरेंजमेंट के ऊपर। पायनियर रीअरेंजमेंट में जो हमने सब्सट्रेट लिया है वह एक क्या है, इपॉक्सी अल्कोहल लिया है। साथ ही इसकी प्रेजेंस में लिया है हमने न्यूक्लियोफाइल और बेस के प्रेजेंस में लिया है। और जो हमने न्यूक्लियोफाइल लिया है वो क्या है, थायोलेट न्यूक्लियोफाइल है हमारा। एक थायोलेट न्यूक्लियोफाइल को हम टर्सरी ब्यूटाइल थायोलेट भी कहते हैं। सबस्ट्रेट इपॉक्सी अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल तथा बेस के साथ रिएक्ट करके पायनियर प्रोडक्ट देता है। जनरली सभी रिएक्शनों में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करता है, इपॉक्सी रिंग पर अटैक करता है और या वो लीविंग ग्रुप पर अटैक करता है। लेकिन इस रिएक्शन में हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो ना ही इपॉक्सी रिंग पर अटैक करता है ना ही लिविंग ग्रुप पर अटैक करेगा, क्योंकि जो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है टर्सरी ब्यूटाइल थायोनेट एक क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है। और जब यह इपॉक्सी रिंग के साथ अटैक करने जाएगा तो आपस में स्टेरिक हिंडरेंस की वजह से यह क्या नहीं कर सकता, अटैक नहीं कर सकता है। और जब यह OH ग्रुप पर जाएगा अटैक करने, यह एक क्या है लिविंग ग्रुप, लेकिन यह लिविंग ग्रुप तो है लेकिन यह क्या है पुअर लिविंग ग्रुप है, इस वजह से यह यहाँ पर भी अटैक नहीं करेगा। अगर हम सब्सट्रेट की बात करें जो हमारा सभी अल्कोहल बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करने से जो इसके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है उसको लीव कर देता है यानी दे देता है, और साथ ही में ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। ये माइनस चार्ज आने की वजह से ये ऑक्सीजन NGP की तरह कार्य करता है यानी कि नेग बेरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह कार्य करता है। और साथ ही यह ऑक्सीजन कार्बन पे जो इपॉक्सी रिंग बनी है इसको ओपन करता है और यह बैक साइड से अटैक करेगा, क्योंकि इसके अगर हम देखें एक स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें तो इसकी बिलो द साइड से क्या है हिंड्रेंस है, इपॉक्सी रिंग लगी है, तो ये क्या करेगा ऊपर की साइड से अटैक करेगा और इस रिंग को क्या करेगा ओपन करेगा। अगर यह रिंग ओपन करता है तो हमारी रिंग कहाँ बनेगी, 1 और 2 पोजीशन पे हमारी रिंग बन जाएगी, और साथ ही में दूसरे और तीसरे पोजीशन की रिंग क्या हो जाएगी, हमारी ओपन हो जाएगी। जब हमारी इपॉक्सी रिंग ओपन होगी तो 1 और 2 पोजीशन पे इपॉक्सी रिंग बन जाएगी और जो ओपन रिंग ऑक्सीजन पे क्या आ गया हमारा माइनस चार्ज आया है, ये जल की प्रेजेंस में रिएक्ट करने से एसिडिक प्रोटॉन को लेगा और ये स्टेबल फॉर्म में आ जाएगा। साथ ही हमारे जो रिंग पहले दूसरे और तीसरे पोजीशन पे थी अब ये कहाँ पे आ चुकी है, फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे। ये हमारा यहाँ पे हमारा बेस की मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। अब हमको जो रिएक्शन में हमने थायोलेट न्यूक्लियोफाइल लिया था अब ये यहाँ से रिएक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब टर्सरी ब्यूटाइल थायोनेट न्यूक्लियोफाइल अटैक करना आएगा तो उसके सामने अब 2 कंडीशन है, वह प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे या सेकेंडरी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करे। लेकिन हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या है, बल्कि न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए क्या करेगा हमारा प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा और साथ ही इसके साथ हमारी क्या होगी रिंग क्या होगी ओपन हो जाएगी। जैसे इसने फर्स्ट वाली प्राइमरी इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करेगा इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे और रिंग की क्या हो जाएगी हमारी ओपन हो जाएगी। जब हमारी रिंग ओपन हो जाएगी तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा। इस माइनस चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए हम इसकी रिएक्शन जल के साथ करा लेंगे और जल के साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन हमको जो प्राप्त होगा ऑक्सीजन क्या कर लेगा उसको ले लेगा और साथ ही में हमको पायनियर प्रोडक्ट मिल जाएगा।